सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला S50 प्रो के बारे में। जी भाई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है ना कि भाई मूड ख़राब हो रखा है। जी सही बता रहा हूँ मैं, फीचर्स उन्होंने ऐसे भर भर के दिए हैं कि भाई आप बोलोगे कि सच्चा फ़ोन कोई हो ही नहीं सकता। फ्लैगशिप किलर बताया जा रहा है, लेकिन क्या सच में ये सब कुछ है? भाई मुझे तो नहीं लगता। ये वही बात है कि हाँ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। बिल्कुल सेम यही प्रॉब्लम सभी मोटोरोला के साथ देखने को मिलती है। पहले तो मैं बात करूँ भाई कैमरास की। तगड़े कैमरास दे रखे इन्होंने भाई, DSLR जैसी फ़ोटोज़ निकल के आती हैं। अच्छी बात है भाई, निकल के आती मानता हूँ, लेकिन भाई जब कहीं आप आउटडोर में जाके यही फ़ोटोज़ खींचते हैं ना, तो भाई इतना लैग होता है फ़ोन, इतना लैग होता है कि आप जब फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे वहीं अटक जाता है। पता नहीं कितना टाइम लेता है तब जाकर कहीं एक फ़ोटो क्लिक हो पाती है, और उसमें भी ये फ़ोटो कहीं ब्लर हो जाती है, कहीं कुछ इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कल परसों की बात है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था भाई। मैं डे लाइट यानी कि दोपहर के 1 बजे होंगे, और ज़्यादा भी टाइम भी नहीं है कि मतलब कि ज़्यादा गर्मी हो, फिर भी भाई इतनी तेज़ धूप भी नहीं थी कि कोई दिक्कत नॉर्मली हमको नहीं हुई तो शूट करने में, लेकिन भाई फ़ोन इतनी तेज़ हैंग हो रहा था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे हम। पता नहीं ऐसा क्यों हो रखा है, समझ नहीं आता। सॉफ्टवेयर के थ्रू बोला था अपडेट करने को, अभी तक वो भी अपडेट नहीं हो पाए। फ़ोन अपडेट हुआ भाई, ओनली सिर्फ और सिर्फ फ़ोन अपडेट हुआ, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कैमरे के रिगार्डिंग, वो प्रॉब्लम्स जैसे कि वैसे ही हैं। कैमरा भयंकर लैग होता है, अब भी हो रहा है। और हाँ, अपडेट होने के बाद एक चीज़ और प्रॉब्लम आने लगी। पहले जो बैटरी, जो हम लोग गेम वगैरह भी खेलते थे, हैवी टास्क भी करते थे, कहीं ना कहीं 6-7 घंटे देखने को मिलती थी, बट अपडेट के बाद उसकी परफॉर्मेंस भी ड्रॉप हुई है, बैटरी की परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हुई है। अब वो बैटरी अब 4-5 घंटे ही ठीक से चल पाती है, फिर वो भाई फ़ोन को दोबारा चार्ज करना पड़ जाता है 4-5 घंटे के बाद में। तो ये कंडीशन हो रखी है भाई। अपडेट देते हैं जैसे तैसे, तो इनका अपडेट आता है बहुत देर बाद, और जब अपडेट भी आता है तो भाई इसमें एक चीज़ ठीक करेंगे, दूसरी चीज़ ख़राब कर देते हैं। भाई पता नहीं मोटोरोला वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई उन्होंने आपको फीचर्स अच्छे दे रखे, सारा कुछ अच्छा दे रखा, भाई जब वो फीचर काम ही ना करें तो आप फ़ोन आपका किस काम का? आप 30-35 हज़ार रुपये लगा के जो फ़ोन्स लेते हैं भाई, और सोचते हैं कि आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन जब ये सारी चीज़ें दिक्कत देती हैं ना, तो भाई रिग्रेट होता है आखिर हमने इस फ़ोन को क्यों ख़रीदा। अब आप फ़ोन को तोड़ फोड़ भी नहीं सकते भाई, गुस्सा तैसे तोड़ फोड़ देंगे, तोड़ फोड़ भी नहीं सकते ना आप। इतना पैसा जो इन्वेस्ट किया, इतना पैसा जो खर्च किया, तब एक फ़ोन ले पाए हैं आप भाई, तो एक्सपेक्टेशन होती है इतना रुपया खर्च करेंगे तो आपको चाहिए एक अच्छा फ़ोन मिले जो आपके साथ अच्छा काम करे, अच्छा परफॉर्मेंस दे। भाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम, भाई परफॉर्मेंस की तो बात ही ना करूँ मैं तो ही सही भाई, इतना हीट होने के बाद ना तो क्या ही दिक्कत आती, क्या बताऊँगा। मान ली बैटरी चार्ज किया भाई, बैटरी चार्ज करने के बाद फ़ोन हीट होता है, समझ में आता है भाई। कॉलिंग की आधे घंटे कॉलिंग के बाद फ़ोन ऐसे हीट हो गया, फिर वो ठीक से क्या नाम कॉल डिसकनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हैंग हो रहा है फ़ोन, ये सब चीज़ देखने को मतलब परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है भाई। गेम की तो बात ही मत करो भाई, गेम प्ले हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद एकदम में लैग करने, भाई बंदा आपको ठोंक के चला जाएगा और आप सब बंदूक ताने ही रह जाएंगे भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऐसा लैग देखने को मिलता है। यानी कि फ़ोन अगर ये हीट हुआ जरा भी, आपको पता है मेटल बॉडी आती है तो भाई फ़ोन भी तगड़ा हीट होता है, और जैसे हीट होता है ना उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगेगा, फिर चाहे आप कॉलिंग करें चाहे आप कुछ भी करें भाई, सब में आपको लैग देखने को मिलेगा, और ऐसा लैग देखेंगे कि ना भाई आपका मूड ख़राब हो जाएगा। भाई आप सोचेंगे इतना 30 हज़ार रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, मुझे आखिर मिला क्या? सच बता रहा हूँ मैं, ये दिक्कत बहुत बेकार मुझे लगती है किसी भी फ़ोन में। आप इतना रुपये लगाते हैं, आप ये सब दिक्कत देखने को मिलती है, बहुत बेकार लगता है। अपडेट इनके आते ही नहीं है टाइम पे, और फिर परफॉर्मेंस ड्रॉप आपको देखने को मिलती है, हीट होता है। आप अच्छे फीचर दे रखे हैं भाई, 68 IP68 का सर्टिफिकेट मिलता है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, अच्छी बात है भाई। फ़ोन वोन कहीं लेके जाएं पानी में नहला भी देता हूँ मैं, हाँ जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो, ये एक अच्छी चीज़ लगती है भाई, ठंडा तो करना पड़ेगा कैसे भी करें। ये सब दिक्कतें हैं भाई इस फ़ोन के साथ, बाकी हाँ जो भी नॉर्मल यूजर हैं उनको शायद ये सब चीज़ें महसूस हों, लेकिन भाई ये दिक्कत जो है वो तो है ही, तो फ़ोन उनको चाहिए कि मोटोरोला वाले इसको जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करें। सोचिए कि रील बनाते बनाते आप इस फ़ोन को यूज कर सकें, भाई रील भी ठीक से नहीं बना पाओगे, फ़ोन हीट हो जाता है, हीट होने के बाद में फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। आप अगर कहीं मूव कर रहे हो फ़ोन में देखेंगे ना वीडियो में, अब दिखाएगा आप जैसे हल्का हल्का मूव कर रहे हैं भाई, बहुत दिक्कत आती है इसके कैमरे के साथ। ओ हाँ, कैमरे के बारे में बात बताना भूल गए, इतनी सैचुरेटेड फ़ोटोज़ कभी कभी आती है ना कि उसको यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं सोचिएगा आप किसी की नॉर्मल फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहे, आप उसकी नॉर्मल फ़ोटोज़ क्लिक ही नहीं कर पाएंगे,
सेचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई इनका हो रखा है, इनको चाहिए कि इसको थोड़ा ठीक करें, थोड़ा बहुत तो एक नेचुरल फ़ोटो आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, इसमें नेचुरल फ़ोटो के नाम पे बिल्कुल जीरो है। हकीकत बता रहा, आप अगर सोचे किसी के नॉर्मल फ़ोटोज़ क्लिक करें फिर उसको एडिट वगैरह करें अपने हिसाब से, बट आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते उसमें, ऑलरेडी का सेचुरेशन हाई रहता है, ग्रीन एंड रेड ये कलर आपको बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेंगे आपको हमेशा। पता नहीं क्यों भाई इनका इन्होंने स्पेशल इसको बनाया ही है ऐसा, ये दिक्कत में देखने को मिलेंगे ही भाई। तो जो भी लोग इस फ़ोन को सोच रहे थे कि हाँ व्लॉगिंग वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, भाई ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल नहीं, आप इसको इग्नोर कीजिएगा वरना आप इसको लेके पछताए। अगर आप नॉर्मल यूजर भाई ऑफिस जाते हैं कभी कभी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे, फ़ोन वगैरह देख लिए, रील्स वगैरह देख लिया, ऐसा यूज करते हो आपके लिए ठीक है यार, फिर आपके लिए बहुत सही फ़ोन है, आप इसको ले लीजिएगा, फीचर आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। बट हाँ हैवी यूजर के लिए और ब्लॉगर्स के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। हाँ एक बात मुझे ज़रूर बताइए, क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही देखने को मिली है, आपके साथ भी देखने को मिलती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ भाई चैनल बनाए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी भी हेल्प होती रहेगी, थोड़ी बहुत हमारी भी हेल्प होती रहेगी। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू।